पलवल में परिचित के साथ घूमने गई युवती के साथ गैंगरेप करने वाले चार दोषियों को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केपी सिंह की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और साथ ही 40,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर 10 महीने की अतिरिक्त सजा दोषियों को भुगतनी होगी। मामले की गहनता से जाँच करें इंस्पेक्टर इंदु बाला ने बताया कि मामला सितम्बर वर्ष 2018 का है। एक पीड़िता युवती ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 18 सितम्बर वर्ष 2018 को वह अपने साथी के साथ बाइक पर घूमने चंदावली नहर पर गई थी, जहां पर चार युवक पहले ही मौजूद थे और शराब का सेवन कर रहे थे। उक्त चारों युवकों ने पीड़िता के साथ मारपीट की और पीड़िता को पकड़कर जबरन बारी बारी उसका रेप किया। हाँ जी, एक लड़की पीड़िता ने कंप्लेंट दी थी और उस पर मुकदमा दर्ज करके 33 करी गई और दोनों में 33-4 आरोपियों के नाम आए थे और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन पूरी करके एक महीने के अंदर चालान दिया और चालान के बाद अब ट्रायल कोर्ट में ट्रायल चली और कोर्ट के द्वारा सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और जुर्माना भी किया है 40,000 का, उसको ना भरने के एवज में 10 महीने की सजा मुकर्रर की हुई है। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।